आमना, आप क्या खा रहे हो? आमना को ये जी है चाउमीन की फाइनल लुक। अब ये देखें बिल्कुल गरम गरम है, धुआं निकल रहा है। मैं कह रही हूँ कि गरम गरम इनको सर्व करती हूँ। मुझे और कमेंट करके आपने लाजमी बताना है किसके पास इतनी सोनी है, तो मुझे बताओ। मेरी अम्मी भी यहाँ पे स्पेक्ट इंजॉय कर रही हैं। आमना आमना, ये असल में बीच में वेजिटेबल है ना, वेजिटेबल के बगैर बनाऊँ तो आमना बहुत शौक से खा लेती है। आमना खा लो ना, इसकी आज तबीयत भी सही नहीं है। ये मैडम साहब अब्बा जी ले आए थे कॉर्नेटो, वो खाई और गला खराब हुआ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल जी बस ब्लॉग नहीं था अपलोड किया, क्योंकि शूट ही नहीं था किया तो अपलोड क्या करना था। बस दिल नहीं था कर रहा, बस घर के असल में काम छोटे मोटे खोले हुए थे, जैसे कि सोफा के बेड के नीचे से कुछ सेटिंग वगैरह करने वाली थी, अलमारियों की करने वाली थी। अच्छा, किचन का काफ़ी ज़्यादा काम करने वाला था, कैबिनेट वगैरह सब सेट करके रखने वाले थे। आपको पता है जैसे कि एक तो वीडियो भी शूट करनी होती है, वैसे रेगुलर भी घर का खाना वगैरह भी बनाना होता है तो बहुत ज़्यादा मसला होता है। फिर इब्राहिम की भी जी कटिंग वगैरह हो गई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ ही मैं बस ऐसे करती हूँ जैसे छोटे छोटे क्लिप शूट करती जाती हूँ, आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। अभी बस खाने का भी कुछ करना है, आप देखते हैं। कभी मदद कह रही है कि मामा सालन वगैरह बना लें, और कभी कह रही है कि चाउमीन बना लें। आप देखते हैं कि जो डिसाइड होता है, तो फिर उसके बाद फिर रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तो आपने जी वीडियो में मेरे साथ रहना है। ये देखें, ये बैलून लेकर आए हैं और इनके साथ खेल रहे हैं, अंधेरे में लेके बैठे हुए हैं कि अंधेरे में इनकी ना लाइट अच्छी लग रही है। इब्राहिम अमना, आप क्या बना रहे हो? अमना अमना, आप क्या कर रहे हो? अमना को जी राइटिंग का शौक आया हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से राइटिंग आ रही है, ए बी सी माँ सिद्दीकी। और इब्राहिम इधर खिलियाँ कर रहा है, ये अंधेरे में लेके बैठे हुए हैं कि इसकी लाइट अच्छी होती है। ये देखिएगा अंधेरे में कितना अच्छा, मतलब मैंने तो फ्लैश लाइट ऑन की है। ये देखे लाइट हैज गॉन, ये देखिए आमना को ना आप डॉट के बगैर माशाल्लाह से लिख लेती है। बीच में कैपिटल लेटर है, बीच में स्मॉल लेटर है सारी, ये देखने से लिखी है लेकिन बीच में सारी मिक्स कर दी है, कैपिटल लेटर भी और स्मॉल लेटर भी। असल में ये स्कूल में अभी तक ये ना यहाँ एम तक पहुँचे हैं, ठीक है, और आगे अभी लिख रहे हैं, आगे सारे इसको कैपिटल लेटर में आती है, और ये भी पता है एल तक यहाँ तक ऐसे चल जाती है, ठीक है। अभी ये एम तक पहुँचे हैं और आगे अभी इन्होंने स्मॉल लेटर में सारी अभी सीख रही है। तो शुक्र है ये एक लिख लेती है, ये देखो ना सारी इसने ए बी सी लिख ली है। सुबह जो है मैं आपको बताने लगी इंतहाई जबरदस्त ब्राइटनिंग सीरम के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा लड़कियों ने मुझसे पूछा है, मेरा इनबॉक्स लिटरली भरा हुआ होता है, ठीक है। ये है चुल्तन प्योर का स्किन ब्राइटनिंग सीरम, ये काफी ज्यादा पर्पजेस के लिए यूज होता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक्नी स्कार्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, स्किन को लाइट करने के लिए, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को फेड करने के लिए। ये कोई ब्लीच नहीं है, ना इसमें कोई ब्लीचिंग एजेंट है, ना ही कोई इतना कोई खतरनाक एजेंट है जो आपकी स्किन को डैमेज करेगा। बहुत ही अच्छे और बैलेंस इंग्रेडिएंट से बना हुआ है ये, ठीक है। और इसको यूज़ करने का तरीका यही है कि आपने 2-3 ड्रॉप्स अपने फेस पे लगाने हैं, उसे स्किन के ऊपर स्प्रेड करना है और आराम से पैट करना है, वो फौरन आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके ऊपर से अगर आपने बाहर जाना है तो अपना सन ब्लॉक जरूर लगाया करें। अगर आप अपनी स्किन को सन डैमेज से बचाना चाहते हैं तो आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमन करना है। और साथ आपकी हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह के लिए ये सीरम बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये स्किन ब्राइटनिंग सीरम है, कोई ब्लीच ब्लूच नहीं है, ठीक है। लाइटनिंग का मतलब हरगिज उस सेंस में मत लिया करें, एक पॉजिटिव सेंस में लाइटनिंग का मतलब लिया करें, यहाँ पे कोई रेसिज्म नहीं चल रहा। मेरे खुद कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है और मैं इस बात को एक्सेप्ट भी करती हूँ, मानती हूँ, और बिल्कुल मैं माइंड भी नहीं करती। मुझे सांवली रंगत बहुत पसंद है पर्सनली, ठीक है। इसका टेक्सचर ऐसा है, मतलब कि देखें इतना रनी नहीं है कि वो बहता बहता नीचे जा रहा है, बहुत अच्छा टेक्स्चर है। मैं 2-3-4 ड्रॉप्स दे रही हूँ क्योंकि मैं ज़रा फयाज हूँ इस मामले में, 2-3 ड्रॉप्स भी काफ़ी हैं, ठीक है। फयाज इस तरह से कि मैं अपनी नेक पर भी लगाती हूँ, सिरम ड्रॉप भी मैं लगाऊँ तो
अगर आप सिर्फ फेस पे लगाते हैं वो आपकी मर्जी है बिल्कुल, तो आप 2-3 ड्रॉप से बहुत अच्छा काम चल जाएगा। देखिए आपने हल्का सा इसे पैट करना है, रगड़ना नहीं है मुंह के अंदर, ये कोई फेस वॉश नहीं है या कोई बॉडी वॉश नहीं है जिसे आप रगड़े, अब ये फौरन आपकी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब होगा और इतना खूबसूरत ग्लो देगा आपको, यकीन करें। और बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग भी है ये, ठीक है, बिल्कुल ड्राई नहीं करता स्किन को, ठीक। तो जी अभी मुकद्दस को कहा है कि मुझे चाय बना के दो और उसने चाय बना के रखी है, बस शावर वगैरह बच्चों को भी दिया है, खुद भी लिया है। और मुकद्दस आज क्या बना के खाने में? आज चाउमिन बनाना है। चाउमिन बनाना जी? तो चलें जी आज ऐसे करते हैं, फिर चाउमिन ही बनाते हैं। मुकद्दस काफी दिनों का कह रही है। अच्छा पीछे पास्ता बनाया था जैसे कि भाभी आई थी और उसके बाद फिर अभी तक कोई चीज इस तरह की नहीं बनाई। फिर अगर घर में ना बनाओ तो फिर ये जी कहती है कि मुझे बाहर से मंगवा कर दें, और बाहर से यकीन करें कि इतनी ज्यादा महंगी मिलती हैं चीजें कि बंदा सोच ही नहीं सकता। पिछली दफा भी मैं मंगवाई थी चिली चटनी से मुकद्दस जो मंगवाया था 1700 का, और वो आया था और यकीन करें कि जो मैं बनाती हूँ घर में उसे आधा था, और मैं देख के तो हैरान रह गई थी कि इतना महंगा। वो यकीन करें कि घर वाला इतना अच्छा और मजे का बनता है, और वो मुझे तो इतना खास पसंद भी को नहीं था आया। ठीक था, ठीक ही था, लेकिन यह है कि घर में जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है ना, तो आप वो अलग में ट्राई कीजिएगा। स्पाइसेस में आपको कहती हूँ कि वेजिटेबल भी आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, और स्पाइसेस वगैरह भी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब सॉसेज वगैरह भी ज्यादा भी कर सकते हैं आप, वो आपकी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी, तो चले ऐसे करते हैं किचन में चलते हैं। मैंने वेजिटेबल भी रख ली है। सबसे पहले ये प्याज है, इसकी इस तरह से जुलियन जैसे कटिंग होती है वैसे कर ली है। साथ ही में शिमला मिर्च भी, गाजर है एक दरमियानी, और साथ ही में बंद गोभी है। सोया सॉस रख ली है, चिली सॉस रख ली है, सिरका रख लिया है। मुकद्दस को ये वाली केचप पसंद है, वो गार्लिक सॉस नहीं डालने देती है। असल में तो गार्लिक सॉस होती है, अगर आपके पास वो है तो वो आप ले सकते हैं। चिकन तकरीबन आप कर लें कि 1.5 पाव है, और साथ में 10 के मसाले रख लिए हैं क्योंकि इसमें पिसे हुए मसाले जाने हैं। जितना जो जो मसाला जाता जाएगा साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। और साथ ही में ये जी स्पैगेटी का एक ले लिया है मैंने पैकेट, ठीक है। और पानी भी तकरीबन गर्म हो चुका है, और इसके अंदर अब मैं सिर्फ और सिर्फ डालने जा रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, क्योंकि चाउमिन बनने जा रही है। पहले तो जी हमें चिकन को करना है मैरिनेट। पहले मैंने कहा ये चिकन का कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देना है, ठीक है। सारी चीजें मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज जाएगी। ये जी चिकन तकरीबन 1.5 पाव है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रख लिया है। और साथ ही में इसमें आप जो जो चीजें जानी है मैं आपको बताती जाती हूँ। सबसे पहले तो सोया सॉस इसमें डालने जा रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैंने सोया सॉस की डाल दी है। और अब 2 ही चम्मच इसमें मैं डालूंगी विनीगर, और जो स्पाइसेस जाएंगे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। ये है जी कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ में जाएगी काली मिर्च, साथ में जाएगा नमक, साथ में जाएगा गार्लिक, और साथ में जाएगी जी सफेद मिर्च। शामिल करने जा रही हूँ व्हाइट पेपर, ये तकरीबन आप कर लें 1/2 टीस्पून जा रही है इसमें व्हाइट पेपर, तकरीबन आप कर लें कि हाफ सारी जाएंगी, ठीक है। मैं आपको एक दफा ये डाल के दिखा देती हूँ कि सारी, अच्छा ये गार्लिक जा रहा है हाफ, ठीक है, और ये जी बन जानी है क्योंकि जो कुटी लाल मिर्च है ये मुकद्दस को पसंद है, और ये मैंने 1 टीस्पून शामिल कर दिया, ठीक हो गया। अब इसको मैंने अच्छे से करना है मिक्स। अच्छा इसको मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अच्छा इसमें मैंने विनीगर शामिल किया है, इसके अंदर मैंने लेमन नहीं शामिल किया है। अगर आपके पास विनीगर नहीं है, कोई एलर्जी होती है सो प्रॉब्लम होती है, अगर आप लेमन शामिल करना चाहते हैं तो विनीगर की जगह पे लेमन भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चाउमीन होती है ये थोड़ी सी ऐसे मतलब के वो कहते हैं ना चाइनीज स्टाइल में है, तो फिर इसमें सिरका और ये चीजें ज्यादा डलती हैं, ठीक है। अब ये स्पाइसेस मैं साइड पे कर लूंगी क्योंकि हमें ये दोबारा से भी चाहिए, तो ये इधर साइड पे इसी तरह से मैं रख देती हूँ, ठीक है। अब ये 10 मिनट ऐसे इस तरह से मैरिनेट होकर पड़ा रहता है, तो बाकी की जो हमने वो पानी भी बॉइल हो चुका है इसके अंदर मैं स्पैगेटी शामिल कर देती हूँ। पास्ता बना रहे हो, स्पैगेटी बना रहे हैं, चाउमीन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, अच्छे से पानी पहले बॉईल किया करें, फ्लेम फुल रखा करें, और उसके बाद उसके अंदर पास्ता वगैरह हर चीज शामिल किया करें। एक जो हमारा पास्ता वगैरह टूट जाता है ना, जो खराब होता है, ढीला हो जाता है, तो उसकी जो 99% होती है ना मिस्टेक, वो ये होती है कि हम गर्म पानी के अंदर पास्ता शामिल नहीं करते हैं। अब ये बस साथ साथ कुक होता जाएगा, साथ साथ नीचे होता जाएगा, और हमने इसको तकरीबन आप कर लें कि 90% इसके अंदर कुक कर लेना है, और उसके बाद फिर हम इसको छान लेंगे, ठीक है। जब छानना होगा तो दिखा के तो मैं आपको वो भी फिर निकाल लूंगी, ठीक है। तो चलें अब इस साइड पर आ जाते हैं,
चार से पांच टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल की शामिल कर दिए हैं। बस अब ये हमारा चिकन मैरिनेट होता है ना, तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी देखिए, ऊपर से गर्म था ना पानी, ऊपर से मैंने ऐसे नीचे पुश किया तो सारी की सारी जो स्पैगेटी है वो अंदर चली गई। 80% हमने इसको पका लेना है, ठीक है, और फिर इसका पानी छान के ना तो ठंडे पानी में से लाजमी निकालना है। ठंडे पानी में से निकाल के भी ऊपर से इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे ताकि ये आपस में जुड़े छुड़े नहीं, क्योंकि हमने जब चाउमीन हमारी तैयार होगी ना तो हमने इतना ज़्यादा इसको पकाना गलाना नहीं है। ठीक हो गया, तो बस ये छोटी छोटी होती हैं चीज़ें जो आपने ध्यान में रखनी है, तो माशाल्लाह से फिर आपकी भी रेसिपी सेम वैसी बनेगी जैसे मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। कुछ गला लेना है, 10% आपने इसको रहने देना है, ठीक है। अब तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिए हैं ऑयल के, और हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। वैसे तो ठंडे पानी में से अगर आप निकाल देते हैं तो फिर भी नहीं जुड़ती हैं, लेकिन ये जैसे मतलब होटलों वगैरह पे आप जाते हैं ना, चाउमीन वगैरह खाते हैं, तो वहाँ पे जी ये इन्होंने ऑयल ही ज़्यादा मतलब यूज़ किया हुआ होता है, तभी नूडल्स इतनी चमक रही होती है। ये देखें, ये बस अब ऐसे ही आपकी रहेंगी फ्रेश। ये मैं साइड पे कर रही हूँ, और चलें अब मैंने फ्राई पैन अच्छा हटा दिया है और मैंने रख लिया है देश की, क्योंकि मुझे इकट्ठी बनानी है, मेरा दिल है इसी के अंदर फिर सारा जो है ना जैसे मैं बनाती हूँ, क्योंकि ना फिर अलहदा हम चिकन करेंगे फ्राई, फिर अलहदा हम वेजिटेबल करेंगे, और फ्राई पैन है छोटा, तो मेरा दिल है बस एक ही देश की लगे और उसी में सारा काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। ऑयल मैंने उसमें शामिल कर दिया है। यहाँ पे जी फ्लेम को हमने रखना है फुल, अच्छे से ऑयल को हम गर्म कर लेंगे, और जो मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन उसको हमने मसाले समेत इसके अंदर शामिल कर देना है, ठीक है, और इसको अच्छे से हम करेंगे ऑयल के अंदर मिक्स। अच्छा, काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी चाउमीन की, अमीना हैं वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमारे साथ आप चाउमीन की रेसिपी शेयर करें। अच्छा, जहन में मेरे रेसिपी होती है, बस बनानी भी होती है, लेकिन बस टाइम की थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो चलें जी अमीना, आज मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है, आज जी मैंने चाउमीन बना दी हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसकी हमने भुनाई कर लेनी है, ठीक है, और उसके बाद जी हमने इसके अंदर तकरीबन 1/2 ग्लास पानी का शामिल करके ना तो इसको ढक के तो मैंने अच्छे से पका लेना है। और ऐसे करती हूँ इतनी देर में ना आमना इब्राहिम बाहर खेल रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा क्लिप ना आपके साथ शेयर करती हूँ। किसका आंडी है? अमीना। ये अमीना का आंडी है, ये देखिए साथ में आमना ने अपना नाम भी लिखा है। माँ से अमीना, आमीना अच्छा बात। और मामा की जान किधर है? मामा का दिल किधर है? दीप छोड़ो जी, देखिए जी कटिंग वाली, ये देखिए आपने कटिंग वाली, ये देखिए आपने कटिंग वाली। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसको मैंने इस तरह से ढक के तो पका लिया है, साथ साथ इसमें मैं चमचा हिलाती रही हूँ ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे, और ये देखें बिल्कुल अच्छे से ये ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर जो जो स्पाइसेस वगैरह जाएंगे, जो जो सॉसेस वगैरह जाएंगी आपको बताती जाती हूँ। तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें मैंने सोया सॉस शामिल कर दी है, और अब जी इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ चिली सॉस। अच्छा, चिली सॉस के भी तकरीबन मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून शामिल करूँगी। फ्लेम यहाँ पे हमने फुल कर दिया है साथ साथ में ताकि ये पकता जाए। तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून इसमें मैंने विनीगर शामिल कर दिया। विनीगर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जब ये अच्छे से ऐसे हो जाएगा कुक, तो इसके अंदर जी मैंने शामिल करनी है केचप। अच्छा, यहाँ पे मैं टमाटो केचप यूज़ कर रही हूँ। आप चिल्ली गार्लिक सॉस अगर आप पसंद करते हैं तो आप वो डाल सकते हैं, मुकद्दस को पसंद नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे टमाटो केचप यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से मैंने कर लेना है मिक्स। तकरीबन 1/2 कप इसमें मैंने टमाटो केचप का शामिल किया। अगर आप चिली गार्लिक सॉस डाल रहे हैं वो भी आप 1/2 कप ही डालेंगे, ठीक हो गया। अब इसको इस तरह से बबल बनने बाद शुरू हुए हैं, तो अब इसके अंदर मैंने स्पाइसिस शामिल करनी है। जो जो जितनी जितनी स्पाइसिस जाएंगी वो सारी मैं आपको बता दे। सबसे पहले तो इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी शुगर। अब जी इसको मैंने कर लेना है बहुत अच्छे से मिक्स। अच्छा, सिर्फ इसको मिक्स ही करना है तो फिर इसके अंदर मैंने शामिल करनी है वेजिटेबल। और भी इसमें काफ़ी स्पाइसेस वगैरह जाते हैं, और भी काफ़ी इसके अंदर लोग शामिल करते हैं सॉसेस वगैरह, लेकिन मैं घर में जो मौजूद होती हैं स्पाइसेस और सॉसेस वगैरह और वेजिटेबल उन्हीं के साथ बनाने जा रही हूँ। और अब इसको मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर रही हूँ सारी की सारी वेजिटेबल। अच्छा, इसमें जो मैंने घर वाला प्याज शामिल किया है, जो आम
अनियन होता है। आप इसके जगह पे ग्रीन अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक तो लुक बहुत ज़्यादा, मतलब जब आप एंड पे ग्रीन अनियन की गार्निश करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आती है। तो इंशाल्लाह कभी वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, अभी मेरे पास मौजूद नहीं था। आप आम रेस्टोरेंट में जहाँ पे भी जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इसी अनियन के साथ चाउमिन बने हुए मिलेंगे। अब जी इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ स्पैगेटी नूडल्स कह लें। अब बस इसको मैंने बहुत अच्छे से कर लेना है मिक्स, और फ्लेम आपका ऑन होना चाहिए क्योंकि नूडल्स हमारी ठंडी हो चुकी थी और इनको हमने साथ में हीट भी देनी है और साथ में हमने इसको अच्छे से मिक्स भी करना है। माशाल्लाह से जी मैंने ये टेस्ट की है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। देख लें कितनी प्यारी इसकी फ्रेश लुक आ रही है, और कोई 19-20 का फ़र्क नहीं है टेस्ट में। कि आप कहें ना कि अगर हम रेस्टोरेंट से मंगवा रहे हैं तो उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में कोई फ़र्क होगा, माशाल्लाह से बिल्कुल भी टेस्ट में फ़र्क नहीं है। और आपने इसी रेसिपी को फॉलो करके तो बनानी है क्या। तो चलें ये अब हमारे फाइनल हो गए हैं, अब डिश आउट करके ना तो फिर मैं इनको देती हूँ खाने के लिए। ये जी है चाउमीन की फाइनल लुक, अभी देखें बिल्कुल गरम गरम है, धुआं निकल रहा है। मैं कह रही हूँ कि गरम गरम इनको सर्व करती हूँ। किसी के पास इतनी सोनी है तो मुझे बताओ, किसके पास है इतनी सोनी, कमेंट करके बताओ। कटिंग में और ज़्यादा सोनी लग रही है। फिर आराम से बैठा हुआ है क्योंकि यहाँ पे इसके काम की चीज़ नहीं है, ये जिनके काम की चीज़ है उनके देखो उन्होंने सपीडा लाई हुई हैं। एना ने सपीडा लाई हुई है एना ने। हम ना ये आपकी है, अच्छी है, अच्छी है, बहुत तो अच्छी है। हाँ, जी बाबा आए हैं। अच्छा चलो आप खाओ ना, बाबा आ जाते हैं। और मुकद्दस अम्मी भी यहाँ पे स्पेक्टी इंजॉय कर रही हैं। आमना ये असल में बीच में वेजिटेबल है ना, वेजिटेबल के बगैर बनाऊँ तो आमना बहुत शौक से खा लेती है। आमना खा लो ना, इसकी आज तबीयत भी सही नहीं है। ये मैडम साहब अब्बा जी ले आए थे कॉर्नेटो, वो खाई और गला खराब हुआ हुआ। चाउमिन की रेसिपी आपके साथ शेयर की, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। स्पाइसेस वगैरह आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं और वेजिटेबल भी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको पसंद हो। ठीक है, आज की वीडियो में जितने मैंने प्रोडक्ट यूज किए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और अगर आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।